हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। चलिए आज मैं आपको बोल रही हूँ बायो मॉर्निंग नेक्टर ये कैसे काम करता है। आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। ये मॉइस्चराइजर क्रीम होता है। ये ऑल स्किन, मतलब आपकी ड्राई स्किन है, ऑयली है, पिंपल्स हैं, कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये एक मॉइस्चराइजर क्रीम होता है। और चलिए ये बताते किन किन चीज़ों से बना होता है। तो ये बना रहता है कि गेहूं की सीड से, कुमारी लीफ से, पल्प से, मधु से, बादाम की सीड ऑयल से, मूंगफली सीड से। तो ये बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके ही बने होते हैं और ये अपने फेस के लिए बहुत अच्छा है होता है। इसको आप मॉर्निंग में, नाइट में यूज कर सकते हैं, दोनों टाइम आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। पहले फेस को अच्छी तरह धो लीजिए, उसके बाद मॉर्निंग नाइटर का यूज कर लीजिए, और इसके बाद हल्का सा सीरम यूज करिएगा क्योंकि सीरम के लिए ज़्यादा इफेक्ट कर। हेलो फ्रेंड्स, ये बायोटिक का मैं दूसरा प्रोडक्ट लाई हूँ, बायो पाइन एप्पल। ये ऑयल कंट्रोल करता है, फेस को अच्छी तरह से साफ करने के लिए होता है। ये नॉर्मल और ऑयली स्किन वाले यूज कर सकते हैं, इसको ड्राई स्किन वाले यूज नहीं कर सकते हैं। और तो ये बताते हैं किस चीज़ों से बना होता है। ये बना होता है हल्दी से, नीम की पत्ती से, अनानास पल्प से, रीठा से, फ्रूट से और प्यूरीफाइड वाटर से बना होता है। और इसको अपन यूज कैसे करते हैं, इसको हाथ में ले लीजिए, हल्के हाथों से मसाज करिए, अच्छे से फिंगर की सहायता से मसाज करना है आपको, अच्छी तरह से नेक में और पूरे अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप जाके साफ पानी से धो लीजिए और इसका यूज आप मॉर्निंग में और रात में सोते टाइम यूज करिए। ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप बहुत सारा मेकअप लगा लिए नहीं छूट रहा है तो आप इसको लगा के यूज करिए एक बार, ये बहुत अच्छा होता है। आप लेना चाहे तो ये बायोटिक एडवांस आयुर्वेदा बायो पाइन एप्पल है तो आप इस। हेलो फ्रेंड्स, ये बायोटिक का मैं तीसरा प्रोडक्ट लाई हूँ, बायो कोकोनट। ये फेस को ग्लोइंग करता है, ब्राइटनेस करता है, अच्छा चमकदार होता है। तो आप इसको जरूर यूज करिए। ये विंटर के लिए बहुत अच्छा होता है और ये गर्मियों के लिए भी, समर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप एक बार इसको यूज करिए। इससे आप लगाएंगे तो हल्के हल्के आपको लगेगा जैसे ऑयली टाइप के, बट वो आपके हाथों में नहीं लगेगा ऑयली है, या आप फेस में लगा लेंगे तो नहीं लगेगा आपका फेस ऑयली है। ठीक है, तो आप इसको यूज करिए। इससे फेस धीरे धीरे सफेद होने लगता है, अच्छा शाइनिंग मारता है। और ये इसको अच्छे से यूज करिए और ये इसको फेस में और नेक में मसाज के थ्रू अच्छे से करिए। ये फेस को लाइटिंग करता है और मॉर्निंग होता था, इवनिंग में इसको यूज करिए। ये बायो कोकोनट है, ये ऑलरेडी ये कहता है कि ये चेहरे को सफेद करता है, चमकदार बनाता है। तो एक बार जरूर इसको यूज करिए। लेकिन मैं इसको यूज करती हूँ अधिकतर, मैं नहा के जब निकलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं किसी चीज़ बायोटिक प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मैं यूज करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। ये तीनों प्रोडक्ट मेरे, मैं सुबह जब सो के उठती हूँ तो ये सब मेरे यूज होते हैं। हाँ, एक बात और है कि मैं बाय कोकोनट लगाने के बाद मैं हमें पहले ऑरेंज जेल लगाती हूँ। मैं नहा के जब भी निकलती हूँ, गुड बेबीज़ का ऑरेंज जेल है, पहले मैं इसको अप्लाई करती हूँ, ये हल्का सा सूख जाता है, फिर मैं इसको यूज करती हूँ। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो पहले आप गुड बेबीज़ का लगाइए ये ऑरेंज जेल, उसके बाद बायोटिक का कोकोनट लगाइए। तो ये अपने फेस के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और जिसकी ऑयली स्किन है तो उसके पिंपल्स विम्पल्स नहीं निकलेंगे। तो एक बार ज़रूर आप यूज करिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करके करिए और बताइए आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए, मैं और ऐसे लाऊंगी आपको जो आपको अच्छा लगेगा, फेस को कैसे अच्छा बनाया जाता सब।